ओवाइसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। आप नेता यूपी में स्कूल और अस्पताल देख रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बहैसियत मुसलमान मुझे ये वीडियो बनाना नहायत ही मैं ज़रूरी समझती हूँ कि देश के जो हालात है उसका असर हमारे घरों पर, हमारी ज़िंदगी पर और खुसूसन ख़वातीन और बच्चों पर भी हो रहा है। ये सियासी खेल में सभी के सभी पीसे जा रहे हैं कि मैं इसलिए कह रही हूँ कि आज यानी कि आने वाले कुछ दिनों के बाद बंगाल में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा वीडियो वायरल होता है बीजेपी के एक लीडर को लेकर या नेता को लेकर जो कि वो मिनिस्टर भी है, जिसका नाम है साक्षी महाराज। ये साक्षी महाराज एक बहुत ही घटिया, गंदी जहनियत का और बहुत ही बेहुदा और ज़्यादा से ज़्यादा बकवास करने वाला यानी कि एक कारकुन माना जाता है। भले ही वो मिनिस्टर हो, मेरी नज़र में वो कुछ भी नहीं, लेकिन उसका वो वीडियो जो वायरल हो रहा है वो उसमें ये कह रहा है कि जिस तरीके से AIMIM यानी कि असद अवेसी और उनके ब्रदर जो है यानी कि अवेसी ब्रदर्स ने बिहार में जिस तरीके से बीजेपी का साथ देकर इलेक्शन जीतने में उनकी मदद की थी, वैसे ही वो बंगाल में भी बीजेपी का साथ देंगे और ममता बनर्जी को हरा देंगे। ये कैसी साजिश है, हमको इसकी एक वीडियो वायरल होने की पीछे रची गई साजिश को समझने की ज़रूरत है, इस झूठ को समझने की ज़रूरत है जो कि आपस में हम मुसलमानों को लड़वा रहा है, फूट डालने लगा रहा है। और जहां तक मैं समझती हूं कि देश भर में असद अवेसी जैसे कायद नहीं है जो कि अपनी कम्युनिटी को या अपने लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की सतह पर अगर बात करूँ तो बीजेपी का मंशा यही है कि मुसलमानों को आपस में लड़ाए, अवेसी ब्रदर्स को बदनाम करे, क्योंकि अवेसी के ख़िलाफ़ या अवेसी ब्रदर्स के ख़िलाफ़ बहुत सारा ऐसा मुस्लिम तबका है, इनको भड़काओ और इनको बदनाम करो ताकि इनकी जो बढ़ती हुई सियासी ताकत को ख़त्म किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दो तीन बयान सुनने के बाद यकीनन अल्लाह उनका साथ दे। मैं समझती हूँ कि ये लोग अपनी सोच भी बदले, MIM या अवेसी ब्रदर्स और मूवमेंट खिलाफत के मूवमेंट को वो दोबारा दोहराने की एक अच्छी कोशिश करें, जहाँ पर आज देश के हालात और देश के रंग ढंग सियासी तौर पे देखने के बाद मैं यही कहूँगी कि अवेसी ब्रदर्स को या AIMIM एक ऐसी पॉलिटिकल वाहिद पार्टी है जो हिंदुस्तान में तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर ला सकती है और लाना भी चाहिए। बहुत दिनों से मैं ये सोच रखी थी कि अवेसी ब्रदर्स को मेरी वीडियो के ज़रिए ये एक मैं बात कहना चाहूँगी कि आप लोग चाहें तो सारे मुसलमानों को देश के एकजुट कर सकते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि मोदी जैसी सरकार आने के बाद देश पूरी तरीके से तबाह व बर्बाद हो चुका है और आने वाले कल में भी बहुत ही ख़तरनाक या खौफनाक माहौल यहाँ पर हो सकता है या बन सकता है। इसीलिए मैं आम मुसलमानों से ये कहना चाहती हूँ कि जब भी कोई AIMIM को बी टीम और BJP कहते हैं या ये BJP की दूसरी टीम माना जाता है तो ये गलत है। ये हमारे बीच एक BJP की बहुत बड़ी साजिश है, अय्यारी है, मक्कारी है जो सियासती मैदानों में चलती है, इसको हमको समझना चाहिए और MIM के अच्छे कामों को हमको साथ भी देना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए और जहाँ तक हो सके ख्वाहिशमंद हज़रात MIM में जुड़ सकते हैं ताकि मुसलमानों की ताकत को देश भर में बढ़ा सकते हैं। इंकलाब जिंदाबाद।